फुलाना की इस पवित्र धरती को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। आपने अपनी इस बहू को जो बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, मैं इस जुलाना की धरती को हमेशा नमन करूंगी और आपके संघर्ष की मैं हमेशा साथी रहूंगी। आज जुलाना की इस पवित्र धरती पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, मेरी दादी जी हमेशा इंदिरा गांधी जी के किस्से मुझे सुनाया करती थी। मेरी माँ इंदिरा गांधी जी के ऊपर गीत सुनाया करती थी, तो बचपन से जो तस्वीर इंदिरा गांधी जी की मेरे मन में थी, जब मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी को देखने लगी, तो जो उनकी छवि थी मेरी आँखों में वो बिल्कुल हूबहू, और पूरा देश भी इस चीज़ को मानता है कि ये हमारे बीच में इंदिरा गांधी जी की जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ति है, वही दुर्गा का रूप है, वही कोमल हृदय वाली हैं, और मेरे से ज़्यादा तो उनको कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता होगा। बहुत ही कम टाइम में, चाहे अपनी इस बेटी को, जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहाँ पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ, और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे दो कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूँगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ, और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं हजार गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। जब 28 तारीख को हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था, उसके बाद हम प्रियंका दीदी से मिलने गए थे, दीदी ने मिलने बुलाया था, हम सभी बैठे थे, तो हमने दीदी को बोला कि दीदी, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं, इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। इतनी अगर गहरी बात हमने किसी को बोली है,
तो ये आप समझ लीजिए कि वो परिवार से भी बढ़ के वो इंसान है जिसको मैंने अपने दिल की बात उस टाइम पे उनके सामने खोल के रख दी थी। आपको आपको ये बात पता नहीं होगी कि दीदी ने उस टाइम पे क्या बताया मुझे। उन्होंने अपने भी एक पर्सनल बात मुझे बताई। हम सब खिलाड़ी वहाँ पे थे, बजरंग भी था, साक्षी भी थी, कि जब उनके फादर के साथ में दुर्घटना हुई थी, उनको भी ऐसे लगा था कि ये देश मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इस देश ने मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाया, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब दीदी पूरे देश में निकली और लोगों का प्यार, उनका दर्द और उनका आशीर्वाद देखा, पूरे देश ने उनके दर्द को अपना दर्द जब समझा था, तो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन हमें भी ये लगा था कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा देश गलत हो नहीं सकता है। उन्होंने बोला कि अब आपको लग रहा है कि इस देश में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन चंद लोगों के कारण ये जो हमारा देश है, ये भारतवासी हैं, ये आपको इतना प्यार देंगे लौटा के कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और एक बात और उन्होंने बोली थी उस दिन, उन्होंने पूछा था कि कुश्ती का क्या करना चाहते हो। हमने बोला दीदी कुश्ती करने का बिल्कुल मन नहीं है, जिस मैदान में हम लड़े हैं, जिस तिरंगे को हमने फहराया है, आज वो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज़ें, वो दर्द हम बता नहीं पाएंगे आपको कभी भी। लेकिन उन्होंने बोला कि कुश्ती नहीं छोड़नी है और मैं चाहती हूँ तुम उस मैट पे दोबारा जीतो और हम गर्व से कह सकें पूरा देश आप पे गर्व करता है, पूरा देश आप पे गर्व करता है। उस दिन एक टूटी हुई लड़की उस कमरे में गई थी और जब बाहर निकल के आई तो वो लड़की दुर्गा का रूप लेके बाहर निकली थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, मेरी बड़ी बहन का है। मैं बहुत भावनाओं से चलने वाली लड़की हूँ, राजनीति में नई नई आई हूँ। आप ये मत मानना कि मैं राजनीति के उसमें, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में आ गई हूँ इसलिए मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं ये बातें बड़ाई की कर रही हूँ, लेकिन मैं दिल से राहुल भैया का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया मैम का, मल्लिका अर्जुन खड़के साहब का, सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण थे, जब ज्वाइनिंग से पहले हम उनसे मिले थे, ऐसे लगा था कि पूरा देश और एक मेरा परिवार जो है वो और बढ़ गया है और मैं अपना दर्द, अपनी तकलीफ उनके सामने रख सकती हूँ और वो एक मिनट में चुटकियों में मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझे इनसे जो मिला है, वही आशीर्वाद प्यार पूरे देश ने मुझे देने का काम किया है। ओलंपिक से आने के बाद में इस पूरे देश ने जो मेरे को संभाला है, इस टूटी हुई लड़की को संभाला है, ये टूटी हुई लड़की आज आपके सामने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में खड़ी है और आपको ये कह सकती है, मेरी छोटी बहनों को बता सकती हूँ, मेरे बड़े भाइयों को बता सकती हूँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग, प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी बहन आपके पीछे खड़ी रह के हमेशा आपकी ताकत बनने का काम करेंगे। आप सबको पता है राजनीति में मैं नहीं हूं, दिन में 10 बार बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी फोन आ जाते हैं मेरे पास में कि बहन क्या चल रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो मेरे को गाइडेंस मिल रहा है, जो परिवार मेरा एक इतना बड़ा क्षेत्र जुलाना विधानसभा का, हर दिन जो मैं गांव में निकली हूँ, हमारा कारवा, हमारा परिवार, हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता गया है। मेरे को समेटने में भी टाइम लगेगा आपके इस प्यार को, आपके इस सम्मान को, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, मेरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकती हूँ, आपकी बेटी ना कभी किसी के सामने झुकी थी, ना कभी किसी के सामने झुकेगी, परमात्मा के सामने हमारा शीश झुकता है और बड़ों का हम आदर सम्मान अपनी जी जान से ज़्यादा करते हैं। और मैं ताऊ और ताई सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, जो पगड़ी आप मान सम्मान में अपनी इस बेटी को पहनाते हो, बेटी मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरी तो शादी हो गई है, आपने कभी मेरे को ऐसे फील ही नहीं करवाया कि मेरी शादी हुई है यहाँ पे, आपने बेटी से भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार मेरे को दिया है। आपकी ये बेटी आपके हर दुख दर्द में, हर पिछड़े समाज के साथ में,
हर उस दलित, हर उस अत्याचार के आगे खड़ी होगी जो आपने कभी झेला है, हर उस जातिवाद से, हर उस धर्म से आगे बढ़ के आपके बेटी हमेशा आपके हकों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन वो ताकत और वो विश्वास आपको मेरे को देना पड़ेगा। जब आपकी बेटी विधानसभा में जाएगी तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो आवाज़ जो बनेगी वो आपकी आवाज़ बनेगी। आपके बीच में से जो ये बेटी जाएगी आपके हकों की आवाज़ बन के, आपका जो मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप 5 साल बाद जब मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगी यही बड़ा मंच होगा। और मैं दीदी को भी बताना चाहती हूँ, ये जुलाना विधानसभा एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से इस जुलाना की मेरी कर्म भूमि को मैं हमेशा तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करती रहूंगी, धन्यवाद देती रहूंगी कि आपने इस बेटी को, एक ऐसी बेटी को जिसके पीछे इतने दुश्मन लगे हुए हैं, इतने लोग पीछे लगे हुए हैं तोड़ने को, डराने को, लेकिन आपके विश्वास से, आपकी ताकत से ना कभी डरे हैं ना कभी झुके हैं। आप सबका जो विश्वास है वो ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। आपकी ये बेटी हमेशा दिन रात आपके बीच में रह के, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये तो चली जाएगी यहाँ से, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और प्रियंका दीदी ने जब मेरे को यहाँ पे भेजा था, दीपेंद्र भाई साहब से जब मैं मिली थी, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कुश्ती के क्षेत्र से अलग है ये क्षेत्र, लेकिन जब आप इन लोगों को टाइम दोगे तो ये लोग आपको अपने दिल और जान से ज़्यादा प्यार करेंगे। और जुलाना की इस धरती ने मेरे को वो दिखा दिया है, वो प्यार, वो सम्मान दे के। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपको कि आप हमारे मान सम्मान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता, हर एक हमारे पार्टी का नेता, चाहे 20 साल पुराने हों, चाहे 25 साल पुराने जो पार्टी में लगे हुए हैं, हर एक तक मैं पहुंचूंगी। आप ऐसे नहीं मानना कि भूल जाएगी, आपके घर तक, आपके चूल्हे तक आपकी बेटी जाने का काम करेगी। बस थोड़ा सा टाइम और वक्त मुझे आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको कभी निराशा नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका दीदी का, दीपेंद्र भाई साहब का मैं हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ, हमेशा धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सबका, आपके प्यार का हमेशा मान सम्मान ऐसे ही बनाए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।